बिहार टॉप पे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ रत्नेश पांडे। बिहार कैबिनेट में आज बैठक जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया जा रहा था और आज कैबिनेट की अभी अभी जो है वो बैठक खत्म हुई है। कई एजेंडों पर मुहर लगा है। आपको बता दें कि बिहार में रोजगार के सवाल पर कई लोगों की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं कि जब जब कैबिनेट का बैठक होता है तब तब ये उम्मीदें जताई जाती हैं कि आज के कैबिनेट बैठक में जो है वो रोजगार के मुद्दे पर जो तेजस्वी यादव हैं उनकी कलम की स्याही चलेगी, सिग्नेचर करेंगे और 10 लाख रोजगार के मुद्दे पर लगातार चर्चाएं जो हैं वो चलती हैं। आपको बता दें कि हर मंगलवार को कैबिनेट का बैठक होता है और बैठक में कई अहम फैसले लिए जाते हैं और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से रोजगार पर लगातार निगाहें जो हैं युवाओं की बढ़ी हुई है कि इस बैठक में रोजगार के मुद्दे पर जो है वो मुहर लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि आज हुए कैबिनेट के बैठक पे भी कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं और मुहर लगाए। आपको बता दें कि आज मंगलवार को नीतीश कुमार की बैठक खत्म हुई है कैबिनेट की और कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके मुताबिक बिहार में जातिगत जनगणना की समय सीमा 2023 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले ये सीमा 2023 फरवरी तक की थी। इसके अलावा बिहार सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 15% बढ़ गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग पटना के मुख्यालय के लिए 104 पदों की स्वीकृति दी है। इसके अलावा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 50 नए पद सृजित किए हैं। शराबबंदी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पंचम केंद्रीय वेतमान के वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति दी है। वहीं छठे केंद्रीय वेतमान के वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता जो है वो लगाया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जो है वो जानकारी जो है वो शेयर की गई है। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना पर चर्चाएं जो हैं, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तब नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव ने कई बार हमले बोले थे नीतीश कुमार को लेकर के और 2 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार तेजस्वी यादव का जो लगातार मुद्दा उठता रहा था, चाहे बिहार विधान परिषद के अंदर में हो, विधानसभा के अंदर में भी हो, तो इन जगहों पर वो लगातार ये मुद्दा उठाते रहते थे कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। तो आखिरकार नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, लेकिन अपने स्तर पर उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। बावजूद इसके जातिगत जनगणना में देरी हो रही है, लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में ये एक अहम मुद्दा पर जो है वो चर्चाएं चली हैं और पास हुआ है कि 2023 में अब उम्मीद जताई जा रही थी कि अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के बीचले मध्य सप्ताह से जो है वो जातिगत जनगणना कराई जाएगी बिहार में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जातिगत जनगणना कराने का फैसला जो है 1 साल के लिए फिर से टाल दिया गया है। तो आज के नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी और खास एजेंडा जो है आज का हुआ है। अब रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर से अगले जब कैबिनेट की बैठक होगी तब का इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत